अस्सलाम वालेकुम, हैप्पीली कुकिंग विद फरहत। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। आज हम बना रहे हैं चिकन स्ट्रोगनॉफ। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले मैं डालती हूँ ब्लैक पेपर डालती हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जो है वो पेपरिका पाउडर, इसके अलावा साल्ट, अब इन सब चीज़ों को ना हम मिक्स करते हैं। ठीक है, इंतहाई टेस्टी होता है ये, और राइस के साथ तो क्या कमाल मज़ा देता है। ठीक है, तो ये मैरिनेशन है इसकी। ठीक है, इसको हम ज़रा मैरिनेट करके जो है 15 मिनट के लिए रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करते हैं। हाँ जी, और अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमने जो है वो पैन के अंदर डालना है बटर। बटर जो मेल्ट होता है तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, क्योंकि हमें ज़रा चाहिए ग्रेवी, तो ग्रेवी के लिए जो है ना ज़्यादा हमें प्याज थोड़े ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसको जो है वो अच्छी तरह हम जो है करेंगे नरम, और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे गार्लिक, लहसुन डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, चॉप किया हुआ। इन दोनों चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह हमने जो है ना वो फ्राई करना है। इसके बाद जो है ना फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। ठीक है, अब देखें काफ़ी हद तक जो है ना ये नरम हो गए। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है ना चिकन को ऐड करते हैं। अब इसको हम जो है वो इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। तो और ये खाने में इतना कुआ लजीज होता है कि आप जो है वो कहेंगे कि इसको हम बार बार बनाएं। ठीक है, इजी भी है और जो है ना ज़रा टिपिकल जो रेसिपी से थोड़ा हटकर है। ठीक है, अब इसको हम ज़रा पकने देते हैं। और एक और मज़े की बात कि इसको आप जो है वो पिज़्ज़ा के ऊपर भी जो लगा सकते हैं, उसके जो है वो आप रोल भी बना सकते हैं, और आप जो है बंद के अंदर भी इसको जो है वो रख के बच्चों को भी जो है वो इंजॉय करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसका समय लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़ायदे हैं इसमें, और हमको आसानी हो सकती है कि हम इससे जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ना मशरूम ऐड करते हैं ताकि चिकन स्ट्रोगन ऑफ जो है उसकी पूरी रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो जाए। ठीक है, अब इसको भी हम जो है इतना पकाएंगे कि ये जो है श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, और इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ये सारा पानी जो है ना खत्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब इसका पानी खत्म होगा तभी इसका जो है ना टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। और फिर एंड पे हमने जो है वो क्रीम ऐड करनी है इसके अंदर। चलें, ये देखें इसका पानी काफ़ी हद तक जो है सूख गया है, और ये मिल्क पैक भी, ये तो इन्होंने लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट के लिए, चलें हम जो है वो लंच के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो क्रीम आपने सारी ऐड कर देनी। ठीक है, और आँच जो है वो हल्की कर देनी है। इसको मिक्स कर लें, और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ राइस के साथ। अब इसके अंदर जो घर का बना हुआ फ्रेश ऑनियन जो है वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। और ये देखिए जी हमारी लास्ट लुक रेसिपी की।
इंतहाई जो है वो खूबसूरत लग रही है। ठीक है, आप भी बनाएं, आप भी इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।